नमस्कार सकाळ 8:00 अपडेट खबर सह आपनको स्वागत करछु मु शक्ति ब्रेटिन आगो कोनो बा किंतु ता पर पर देखरा हेडलाइंस प्रधान शिक्षयित्री को नंबर वन हेबार मोह 164 पिला परीक्षा रे फेल करी रंग काम लगे दीदी पचार कले अजब जुक्ति सब पिला पाठ पढ़िले किए कर रंग काम एवं भी रहस्य घर रमादेवी छात्री मृत्यु घटना राकेश को तीन दिनिया रिमांड रे नेला पुलिस आवश्यक पड़े सीन रिक्रिएशन बजेट रे चासिंग को पाई बड़ा घोषणा एमएसपी रे डेढ़ गुणा वृद्धि माइक्रो इरिगेशन फंड पाई 5000 कोटी रेलवाई को 1,10,000 कोटी मेट्रो प्रोजेक्ट को दिया जिबा प्रोत्साहन अर्थमंत्री सीतारमण का आत्मनिर्भर बजेट स्वास्थ्य भारत मिशन पाई सर्वाधिक 2,23,000 कोटी रो व्यवराद पूर्व वर्ष अपेक्षा 137% अधिक शिक्षार उन्नति पाई खोलिबो सैनिक और एकलव्य स्कूल बदलानी टैक्स स्लाब किंतु वरिष्ठ नागरिकों आश्वस्ति 75 वर्ष अधिक वयस्क पेंशन भोगी को आयकर छाड़ एनआरआई को डबल टैक्स सिस्टम रु आश्वस्ति आज मद महंगा सुना रूपा सस्ता गरीब पिला बोली स्कूल रा प्रधान शिक्षयित्री को घारी नंबर वन हेबार मोह दशम श्रेणी रे पिला काले खराब करिवे सेतिपई बस्ती रे 164 पिला को फेल कर दिले प्रधान शिक्षयित्री आ पिला को कहिले जाय कि रंग काम कर एभले अभावनीय घटना घटी खोद राजधानी भुवनेश्वर रा एक सरकारी स्कूल रे ला काई पकोउछन्ति आपन को खबर देला पर ताला पके कि ये प्रकार अपमान कोन पई आपण टिके माइकटा रखंतु मु कहबे आपण बूम रखंतु रेकॉर्डिंग ठीक अछि ठीक अछि किंतु पिला पाठ पढिया को चाहिबे बूम रखंतु रेकॉर्डिंग बंद करंतु तापर आपण जा पाठ पढिया पई पिला को केस करिया को जेउ पडियो मना दीदी हेबे नंबर 1 आउ 164 पिला पाठ छाडी करिवे रंग काम दीदींकर अजब जुक्ति सबु पिला जदि पाठ पढ़े ताहले रंग कम किए कर मिस्त्री कम किए कर पे जब पाठ पढ़ी पास हो पलैबे आ कलर कम लेबर कम किए कर मार्क दौना मन इच्छा मार्क देखते आटनास तुम ना करदे कह लेबर कम कर रंग कम कर स्कूल सामने बसी छात्र छात्री मैंने आईआरसी भिलेज स्थित सरकारी उच्च विद्यालय नवम श्रेणीर छात्र छात्री आउ सरकारी नियमर ऊर्धरे रही स्कूल रो प्रधान शिक्षयित्री सुनंदा मेकअप निज स्कूल रे करिसंती अजब नियम दीदी करितबा सबु नियम रे जति बस्ती बासिंदा सबु पिला पास करंती ताहले परीक्षा रे दीदी सेमानकु पास करैबे निज स्कूल रे भलो पाठ पढुतबा परीक्षार्थी को दशम श्रेणी परीक्षा रे फॉर्म फिल अप करबा पई अनुमति दैछंती हेले दुखर कथा पाखा पाखी बस्ती बासिंदा को 164 पिला नवम श्रेणी रे तांकु फेल कर दे जाइछि फेल पछर कारण भी अजब पिला केले दशम श्रेणी रे फेल हिजबे आ पिला जदि फेल हेबे दीदी नंबर 1 हेपारु वंचित हेबे स्कूल रो प्रधान शिक्षयित्री बस्ती पिलांकु घृणा करथुबा स पाठ पढा छाडी काम करबाकु जिबा पई कोथुवा कथा छात्र छात्री माने अभिजोग करिसंती प्रधान शिक्षयित्रीकर एभली मनोभाव पई अनेक पिला पाठ ठारु दूरे जाउथुवा कथा अभिभावक माने अभिजोग आनिसंती पिला माने जदि पाठ पढी के पास हेकि पळेबे आ कलर काम लेबर काम के करिवो जो पिला माने फेल भी होचंती लुचिक कहते पैसा दे दि तुम पास करदेव पिला पैसा नहीं कि भी पास करदे तो दीदी लाच खाइले ना लाच खाइले आ जो गरीब पिला माने जिबे कड़े कल तो लास्ट डेट अच्छे कल लास्ट डेट पलैले दीदी कहे लास्ट डेट पलैचु आम कर मार्क दौना मन इच्छा मार्क देखते कहते आटनास तुम ना ये करदे कह लेबर कम कर रंग कम कर आम बस्ती पिला कहीकि उद्देश्य रखिकी फेल करते पास कर दे पिला भल देखिकी पास कर देते सालिया साहर पिला तुम सीना एमती बस बस पास हो पार्वन जदि तुमको पास करू आउ बाहर कम कर किए हेल्ले आम पिले कम करेंगे आम कष्ट करूँ आम पिले कम करेंगे कौन तुम पिले चाकरी करेंगे आम चाहू आम पिले भल हूँ बोली तुम कौन जाए आम पिले चाकर गरीब पिला बोली व्यवहार की कहीं फेल कर दिगला दीदी अजब जुक्ति ग्रहणीय 164 गरीब पिलांक भविष्य को दृष्टि रखी जातीय मानवाधिकार कमिशन को दृष्टि आकर्षण करिछि सामंत सोशल संगठन आ ये प्रसंग रे सुनंदा दीदी तांको अजब जुक्ति बाढ़ी कैमरा सामने मुह खोलिबाकु मना कर दे छथि स्कूल रे सामान्य उत्तेजना परिस्थिति देखा दैथा बेले
जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल रे पहुंची 44 जन पिलांकु कमिशन को निर्देश अनुसारी फॉर्म पूरण करबा को अनुमति देछंती। ला काई पकौ जंती आपन को खबर देला पर ताला पके कि ये प्रकार अपमान कोन पई आपन टिके माइक टा रखंतु मु कहि आपन बूम रखंतु रेकॉर्डिंग ठीक अछि ठीक अछि किंतु पिला पाठ पढिया को चाहिबे बूम रखंतु रेकॉर्डिंग बंद करंतु तापर आपन पाठ पढिया पई पिलांकु केस करिया को जेउ पडियो मैडम। शिक्षा भली मौलिक अधिकार को काहेकी छड़े चेष्टा कर सरकारी स्कूल रे बस्ती बासिंदा पिला काहेकी घृणा नजर रे देखा जाउछि। जदि छात्र छात्री और अभिभावक मानकर अभियोग रे सत्यता थाए ताहाले स्कूल रे प्रधान शिक्षयित्री को उपरे आगामी दिन रे की कार्यानुष्ठान ग्रहण कर जाउछि ताकु ही अपेक्षा। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन देवेंद्र को संतोष झा रिपोर्ट अर्गस न्यूज। ए संपर्क में अधिक अपडेट पर आम सहित फोनलाइन जोड़ी होती आम प्रतिनिधि संतोष जेना। संतोष जो भाई भाव में 164 पिला फेल कर दिगला तो ये घटना ए खबर प्रसारित पाकर फर्म फिलअप किभली कर प्रमोशन केमी दिजाव से प्रसंग में किसी पदक्षेप निगला कि पाखापाखि 164 बस्ती बासिंदा पिला जीवन को गोटे विपदगामी करवा सहित से परीक्षा देवाई उत्तीर्ण न करने प्रसंग गोटे चर्चार प्रसंग पलटी ए संपर्क में मंत्री मत अवगत अच्छा मंत्री जहां कहते से किसी गाइडलाइन ना एवं पाखापाखि 164 पिला घटना को नहीं जातीय मानवाधिकार कमिशन को अवगत कराई और यह संपर्क में कमिशन निर्देश देते जदि आप किसी क्राइटेरिया रखिंट से क्राइटेरिया को बात दिंतु अति कम रे अटेंडेंस देखी जितकी पिला वर्तमान समय दशम श्रेणी को जापारे उत्तीर्ण करकूल सामान्यतम उच्चेतना परिस्थिति बयस देखाई जिला शिक्षा अधिकारी घटनास्थल में पहुंचे और कमिशन देखा निर्देश अनुसार पाखापाखि 44 पिला वर्तमान समय नवम रु दशम पक को अनुमति दी तेज सब बड़ प्रश्न उठू जदि आप 44 पिला कमिशन को निर्देश पर वर्तमान समय परीक्षा फर्म फिलअप अनुमति दौंट तो बाकी पिला कहीं देवेनि ये 44 पिला कहीं बड़ी पड़ जाते जदि परीक्षा देवा पड़ बस्ती बासिंदा पिला केस करने को सुनंदा मेकअप अच्छा जहां पचर जे प्रधान शिक्षयित्री अच्छा शिक्षा विभाग गुरु दायित्व अच्छा प्रभावशाली व्यक्ति मान सहित किभली भाव में संपर्क रही है से किभली भाव में निजे नीति निम बनई विशेषकर दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा में एक नंबर हमार जो हिसाब घारी कौन भी पिला फेल हम समस्ते फास्ट क्लास में पास करेंगे एवं ये बाहबा ने ना ने शिक्षा उन्नति कर देखे किंतु ये प्रसंग भितर आम संविधान कहती जो शिक्षा भाई मौलिक अधिकार को आम समस्त को दवापाई दवा उचित एवं सबू पिला जो माने भी पास करूँ कि फेल करूँ सरकार नियम कर पाठ पढ़ा उचित सरकार नियम थी ये जी प्रधान शिक्षयित्री सुनंदा मेकअप अच्छा कहीं अजग्ञ हम संतोष जो भाव में घटना को अर्गस न्यूज उजागर सामना को आनी खुद राजधानी रही घटना तो ये घटना सामना को आसला पर गणशिक्षा विभाग तरफ हो बा खुद निजे प्रधान शिक्षयित्री तंकर ए करथिबा भूल को संशोधन करिया कौन से पदक्षेप ने कि देखो मार्च 5 रे गोटे नोटिस आसीला जो नोटिस रे शिक्षा विभाग पक्ष गोटे गाइडलाइन जारी है जे पाखापाखी गोटे मार्क 600 मार्क रु गोटे मार्क स्कूल रे समस्त पाठ पढ़ुवा पिला भितर गोटे क्राइटेरिया से क्राइटेरिया अनुसार जो पिला उत्तीर्ण करेंगे ताकि फर्म फिलअप अनुमति दिजाव किंतु दुखर सहित कहक पड़ी सुनंदा मेकअप जी प्रभावशाली व्यक्ति सहित जहां संपर्क अच्छी जहां पचर बहुत बड़ बड़ लोक अच्छा स्कूल को एक नंबर करेंगे और सी निजे एक नंबर हाई गोटे से निजस्व नियम बनई जो नियम को कौन भी बस्ती पिला जो मैंने आर्थिक अनग्रसर अच्छा जो मैंने पाठ पढ़ा पछुआ अच्छा जो मान अभिभावक मान शिक्षित नुहतने कौट ना कौटी बात पड़ी तो जाए भी प्रधान शिक्षयित्री नंबर वन हबार निशा उतरी घृणा भाव अच्छी पिला अभियोग रोचे दीदी सब कहती
ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପିଲା ପାଠ ପଢିବେ ତାହେଲେ ରଙ୍ଗ କାମ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କିଏ କରିବ? ଏଭଳି ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଭିତରେ ନିନ୍ଦାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ସବୁରି ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। धन्यवाद संतोष। संतोष जेना प्रतिनिधि जो भले सूचना दूसरे कि नंबर वन हबार निशा प्रधान शिक्षयित्री को एभली घारी जे 164 पिला फेल कराईदे यही फेल कराइले जे मन में सन्देह आसूला जे काले से माने मैट्रिक परीक्षा रे फेल हे आदि मैट्रिक परीक्षा रे फेल हे तो से नंबर वन केमती है। तो यह घटना को लेकिन अर्गस न्यूज रे खबर प्रसारित कर निजे प्रधान शिक्षयित्री किभली भाव में व्यवहार करमेरा सामने आप देखिपुंट कथा हो खोद राजधानी भुवनेश्वर यह घटना घटू कि गणशिक्षा विभाग वर्तमान पर्यंत चुप ता सब बड़ प्रश्न गणशिक्षा विभाग सामना को आसब कि जो प्रधान शिक्षयित्री यह आचरण करतरातर कर पाते विरोध में कार्यानुष्ठान नब कि परवर्त खबर को जी मयूरभंज जिले में कार्यरत 404 पीएजी कर्मी गणधारणा निज प्राप्य पाइबा जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय सम्मुखें शीत काकर धारण में बसी रही 2018 मसीह आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नामक एक ठिका संस्था मध्यम मयूरभंज जिलार 404 ग्राम पंचायत में मासिक 3000 टंका वेतन में निजुक्ति दि जाता है। आज पर्यंत मात्र 5 मास दरमा पाई बेले एक वर्षरु अधिक समय हेब दरमा प्रदान करा निजुक्ति आर्यभट्ट एमडी आरंभ कर मयूरभंज जिलापाल गुहारी जनईले भी आज पर्यंत कौन सुफल पाई फल बाध्य पीएचजी कर्मी मैंने धारणा देखते बकेया प्राप्य नपाइवा जाए राजरास्त धारणारत रे संघ सभापति राम टुडु कहते इस संपर्क में अधिक अपडेट पाई आम सहित जोड़ी होती बारीपदा सामाजिक सुरक्षा कार्यालय सम्मुखर जोटि की पीएचजी कर्मी मैंने धारणा देखते रंजन दास आम प्रतिनिधि जोड़ी होती रंजन धारणा पर जिला प्रशासन पक्षर धारणारत पीएचजी कर्मी सहित कौन आलोचना है कौन प्रतिश्रुति मिलला कि आलोचना करने को आसिले से सहित देखु शक्ति मुझे गोटे कथा कही रखुची जो पीएचजी कर्मी मैंने अच्छा मयूरभंज जिले में 404 जन पीएचजी कर्मी धारण में बस आम बर्तमान सीधासलख चित्र आपको देखा देखो आम ठिया सीधासलख जिला सामाजिक सुरक्षा जो कार्यालय अच्छी सम्मुखें आम ठियाु आम गहन बर्तमान अच्छा धारणारत रही बर्तमान राति तमाम पड़ी थे यठार जो कर्मी मैंने अच्छा धारण में बस जो थंडा काकर पड़ते बर्तमान किसी शौच हाँ जाती बर्तमान आम गहन किसी बस आम सीधासलख तांकटु प्रतिक्रिया रखा जो कहुचर जो बाकिया दरमा रही बाकिया प्राप्य रही पखापाखि एक वर्ष रु ऊर्ध हम पखापाखि 12 मास रु ऊर्ध जो वेतन रही जो स्वल्प वेतन दि जाऊला से स्वल्प वेतन ठीक रूपे दि जाए ना जहाँ को लेकिन विभिन्न समय आसिक धारणा रही आगु दुईथर धारण में थे जो दुईथर धारण में बसते से समय जो प्रतिश्रुति दि जाता विभिन्न तारीख दि जाता विभिन्न समय दि जाता से समय धार्य समय मध्य कौन से प्रकार प्राप्य दि जाता जहाँकि नहीं कि असंतोष जाहिर करते सीधासलख बहुत समय आसिक धारणा बसते तेज गत डिसेम्बर मसार आसिक धारणा बसते जानुरी 31 तारीख पर्यंत दि जाता समय कितु जो जानुरी 31 तारीख पहुंची जाता दरमा मिल ना से समय से आसी गत काली जो कि फेब्रुआरी 1 तारीख आसिक धारणा बस गत काली आलोचना जो सामाजिक सुरक्षा अधिकारी अच्छा सहित आलोचना होता है पुणी आउ थे सी आउ थे गोटे तारीख नाक खोजुते जहाँकि सीधासलख जो कर्मी मैंने आउ अपेक्षा करें सीधासलख धारण में बस कौन कह आज्ञा आप बर्तमान धारण में बस कौन धारण में बस कौन केत रे आम आम 12 मास बकेया दरमा जो अच्छी आम प्रशासन को बारंबार दरखास्त देलु आम जिला जिलापा भी जनईचु डीएसएस सार को भी जनईलु तार जनवा सत्वे भी आमको बारंबार प्रतिश्रुति देखते मानने 4-5 थर आम स्ट्राइक बसीलु
ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ସମୟ ମାଗିଲେ ଆମକୁ ସେ ସମୟ ଅବଧି ସରିଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବକେୟା ଦରମା ନ ମିଳିଛି ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ବସି ରହିବୁ। निश्चित पक्षे देखु शक्तिशाही जो कथा कहते सीधासलख से सीधासलख प्रतिक्रिया रखुते जो बाकिया प्राप्य अच्छी जो बाकिया प्राप्य न पाइबा पर्यंत जमीक देखूँ मयूरभंज गोटे साधारणतः कह जाए आदिवासी अधूषित अंचल लोकों एठार घोर जो आर्थिक अनाटन भितर लोक गति करती जो स्वल्प मूल्यर जो वेतन दौरान से ठीक भाव में दौना बारंबार जो तारीख नौ आम गहन में जड़े भौणी अच्छा आम तुम प्रतिक्रिया रखा कौन कह आज्ञा के धारणा बस कौन करिबे आपण माने आम डिसेंबर आगरो पुणे बसले तीन चार थर बसले तापर भी एमती प्रतिश्रुति दे चली छंती हमको 12 मासर दरमा न देला जाय आमे एमती अधिनिष्ठ काल पई बसतिउ। तबे जो कथा रहिची आपण मानक सहित आलोचना करिबा पई जो सरकारी पक्षरु किए कि आसिलेनी आपण कलेक्टर को जन कलेक्टर तो से डीएसएस को जनइले सांगे सांगे काली आम कही आम स्टेट कोऑर्डिनेटर को से तो आसी पारे नहीं लेटर खाली माध्यम रे जो आप जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय बस अधिकारी सहित भेट हेले कि अधिकारी सहित आलोचना कले कि कौन सामाजिक सेवा भितर कौन डीएसएस सर कल रात एगारटे फोन करते मुटा नाला जाए मुझे बुझुची एवं मुझे तो कही नी बुझुची बोल कि एक तारीख सुधा मुझे देखुची कौन करा भी आम प्रतिश्रुति एमती कि आमको बिलीव होब बोल कि एमती कही चाल तथापि तो आमको प्रतिश्रुति रखुं आम किसी विश्वास कर पारे सतरे हो मिश्रे हो निश्चित पक्षे देखो जमीक सीधासख प्रतिक्रिया रोचे विभिन्न समय जो तारीख दि जाए जो तारीख में पैसा मिलना और दरमा मिलना से नहीं कि विभिन्न समय विश्वास कर भाई कौन कह आज्ञा आपण तो बर्तमान धारणा बस धारणा को कमी आग को ने भाई आज्ञा आम तो हूँ काल पाखर आम राति सारा बस थाटे आईपाई आमको किसी सहयोग मिलना आए दस दि चारिमास आमको एमती ये प्रतिश्रुति देक चली निश्चित पक्षे देखो बर्तमान जो अच्छा किसी कर्मी जो राति सारा राति तमाम पड़ी थे और राति तमाम पर बर्तमान शौच होगा किसी जाती बर्तमान किसी पड़ी रही जो थंडा काकर थंडा काकर पड़ी रही बर्तमान विश्वास होना जो पुणी बर्तमान जो गत कालीर जो कथ रही गत कालीर जो डीएसएस अच्छा जो जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी अच्छा सी प्रतिश्रुति देते जे आगामी फेब्रुआरी 20 तारीख पर्यंत अटकी जावाई जहाँ को विश्वास को आसुनी और सीधासल से निजर हक निजर प्राप्य निजर धन्यवाद रंजन रंजन दास आम प्रतिनिधि जो भाई प्रतिक्रिया नौले पीएचडी कर्मी मान से कहवा कथा एथर आम आ प्रतिश्रुति भली जीव ना जेपर्यंत दरमा न मिली से पर्यंत यह भाव में धारणा दिए बसी रहीबु मस दरमा से बाकिया पड़ी पूर्वर मध्य धारणा देते प्रतिश्रुति दिगला 31 जनवरी सुधा दरमा मिल कितु दरमा मिलला ना जहाँफल कि फेब्रुआरी 1 रु पुणी धारणा बसिंटी एथर दरमा न मिलवा जाए से हटवे ना बोली रोकठोक शुणाई प्रतिक्रिया नौ प्रतिनिधि रंजन दास भद्रक बेआईन गो चलाण को नहीं उत्तेजना पठान महला ठारे सोमवार गोरु बोझई गाड़ी जबत करितिला पुरुणा बाजार पुलिस गाड़ी किछि गाई और षंढ को उद्धार करा कर तबे घटना को नहीं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कर्मी माने नुआ बस स्टैंड निकट रे रास्ता रोक करते परे अतिरिक्त एसपी घटनास्थल रे पहुंची आलोचना परे रास्ता रोक हटी थिला। पुलिस रो इंगित रे बेआईन गोचारण भद्रक रे हेउची न होते आज जो गाड़ी को आम अटक कर रखीचु से गाड़ी ड्राइवर किपर फेरार है तार मालिक को कौन पाई पुलिस अरेस्ट करूना से गाड़ी चाबी किपर पाइला प्रोटेक्शन में नहीं जाऊला आम धरी अटके रखीचु एवं दाबी करुचु बारंबार दाबी करुचु जे बाईपास हल्दीडीह पर्यटन जी कंटेनर अच्छी गोचालाण होती कौन पाई सीज करा रास्ता ऊपर रखा जा कदमबेड़ा मुल्ला साहि लंगा महला शाहपुर इत्यादि अंचल जो पिकअप भ्यान गुडाक रखा पिकअप रखा जाए गोचालाण कर पिकअप गुडा जबत कर। कोरोना काल में 5,54,00,000 कोटी टंकार बजेट पूर्व वर्ष ठू
34% ଅଧିକ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋକସରେ ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କିଛିଙ୍କ ମତରେ ଏହା ହେଉଛି ସୀତାରମଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜେଟ୍। ଦେଶବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 223,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଗବେଷଣା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସରକାର। ସେପରି ନୂଆ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଠନ ହେବ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କମିଶନ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଆମର ମନ୍ତ୍ର, ସୀତାରମଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜେଟ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ 223,846 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବଜେଟ୍ରେ ବଢ଼ିଲା 94,000 କୋଟି। ଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ 223,846 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା 137% ବଢ଼ିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜେଟ୍। କେବଳ କରୋନା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପୁରା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ରହିଛି 35,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବଢ଼ାଯିବ ଫଣ୍ଡ। ସେପରି ଭାରତ ପାଖରେ ଏବେ 2 ଟିକା ଥିବାବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ 2 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ସୋ ଦ ବଜେଟ୍ ଆଉଟ୍ଲେ ଫର୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ବିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ 223,846 କ୍ରୋର୍ସ ଇନ୍ ଦିସ୍ BE 21-22 ଆଜ୍ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ BE ଅଫ୍ ଓନ୍ଲି 94,452 କ୍ରୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ମାର୍କ୍ସ ଆନ୍ ଇନ୍କ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ 5 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 41,000 କୋଟି। 500 ଅମୃତ ସହରରେ ପରିମଳ ଉପରେ ହେବ କାମ। ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ିରେ ପିଲାଙ୍କ ପୋଷଣକୁ ଦିଆଯିବ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ। ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ପାଇଁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 2,200 କୋଟି। ନୂଆକରି ଖୋଲିବ 75,000 ଗ୍ରାମୀଣ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର, 602 ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ, 17 ନୂଆ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ୟୁନିଟ୍ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। କରୋନା ପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ଫୋ ପୋର୍ଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରାଯିବ। 9 ବାୟୋ ଲାଭ ହେବ, 4 ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଲୋଜି ଖୋଲିବ। To tackle the burgeoning problem of air pollution, proposed to provide an amount of 2,217 crores of rupees for 42 urban centers with a million plus population in this budget. ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ସାରା ଦେଶରେ ଖୋଲିବ 100 ନୂଆ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଠନ ହେବ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମିଶନ, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 758 ନୂଆ ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲ, ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 38 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଲଦାଖରେ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ନ୍ୟାସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗ ଉପରେ। ତାପମାତ୍ରା 2 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ତ କେମିତି ରହିବ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ରାଜ୍ୟରେ, କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ। କବିତା, କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସବୁଠୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା କେଉଁଠି ରହିଛି ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର କ'ଣ ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆଉ କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ? ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଆମେ କି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଛି, ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟରେ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଶୀତର ଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି, ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସହିତ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯଦି କହିବା 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସହ 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେଉଁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ତାହା 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିପାରେ ବୋଲି ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଗତକାଲିର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ପୁଣି 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି, ଶୀତର ପ୍ରକୋପ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ 5 ତାରିଖ ପରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଯାହା ପାଣିପାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ଯଦି କହିବା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳକୁ 10 ସହର ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଶୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆଉ ସକାଳ ସମୟରେ କୁହୁଡ଼ି, ସକାଳ ସମୟରୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା।
धन्यवाद कविता सूचना कविता स्वयं प्रतिनिधि सूचना दौले कि भाव में 10 तापमात्रा वर्तमान 10 डिग्री तले रही शीतर प्रकोप जारी रहा उत्तर पश्चिम दिगर जो शुष्क वायु प्रवाहित होार प्रभाव पड़ी एवं सारा राज्य शीतर प्रकोप देखा मिली समय बुलेटिन बर्तमान खबर को नमस्कार।